हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वेलकम फ्रेंड्स। सो आई एम मधु। मम्मी नहीं हुआ वेलकम फ्रेंड्स। हे फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सब्सक्राइब करना यार। ओके, लेट्स गेट टू दिस वीडियो ना। मधु, यू कैन डू इट। ओके वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीमोसुला टैबलेट के बारे में। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने आप में से बहुत सारे लोगों ने इस टैबलेट को यूज़ किया होगा एंड इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया होगा। सो मैं भी इस टैबलेट के बारे में बोलना चाहती हूँ बिकॉज अभी जो समर से विंटर सीजन आ रहा है उसके दौरान बहुत सारी वायरल डिजीज़ वायरल फीवर हो रहा है। सो इसका यूजेस अभी बहुत पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। सो आई एम थिंकिंग कि इस टैबलेट के बारे में आप सभी को एक स्मॉल सा वीडियो रिव्यू कर दूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगा इसका यूजेस का डोजेस का साइड इफेक्ट वार्निंग के बारे में। सो आई एम मधु। वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैट यू हैव यू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस टैबलेट। सो चलो कुछ नया सीखते हैं। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। यूज कब किया जाता है? जनरली फीवर एंड पेन के टाइम इसको यूज़ किया जाता है, जैसे बॉडी पेन, जॉइंट पेन, पीरियड्स पेन, बैक पेन, सब पेन में इस टैबलेट को आप ले सकते हो। उसके बाद मेन फंक्शन इसका यही है, अगर कोई पेशेंट को पैरासिटामोल दिया, अगर उसका बुखार उसके टेम्परेचर फिर भी नहीं घटा तो आप इस निमोसुला टैबलेट को आप ले सकते हो। सो ये तो हो गया यूजेस के बारे में। अभी देखते हैं इसका डोजेस कैसा कैसा होता है। डोजेस एक्चुअली बात करेंगे तो डोजेस इसका एज एंड वेट के अकॉर्डिंग इसका यूजेस वैलिड करता है। जनरली कॉमन सा जो एडल्ट है उसका उसको 100 mg का टैबलेट दिया जाता है एंड इसका बहुत सारा ब्रांड होता है। आप मेडिकल स्टोर में जाओगे तो इसका बहुत सारा ब्रांड मिलेगा लेकिन इसका कंपोजिशन जो है वो सेम ही रहता है। मैं आपको ब्रांड के बारे में थोड़ी देर में बता रही हूँ। देन आते हैं इसका डोजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई बच्चा जैसे कि 12 एज के अंडर जो बच्चे हैं उसको निमोसुला जनरली नहीं दिया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा। सो आता है वार्निंग। वार्निंग का मीन्स क्या होता है एक्चुअली, तब कौन से पेशेंट को ये निमोसुला नहीं दिया जाता है? बेसिकली जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिस मरीज में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होता है उसमें ये टैबलेट नहीं दिया जाता है। पेप्टिक अल्सर जो होता है उसमें भी नहीं दिया जाता है। अगर किडनी या फिर लीवर का प्रॉब्लम हो जिस पेशेंट में उसको भी नहीं दिया जाता है एंड प्रेगनेंट एंड पेशन मदर को भी ये टैबलेट नहीं दिया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मेडिसिन कि दैट इज साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या क्या होता है इसका? जनरली डिजीनेस, वॉमिटिंग, डायरिया एंड एलर्जी भी हो सकता है। यानी आपको अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो आप तुरंत ये दवाई बंद कर दो एंड डॉक्टर से कंसल्ट करो ताकि वो फर्दर ट्रीटमेंट कर सके। आप ज़्यादा लेने से लीवर को बहुत ख़राब से नुकसान कर सकते हैं। सो अगर लेना है तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही लो। सो निमोसुलाइड का सभी प्रकार जानकारी मैंने ऑलमोस्ट दे दिया। सो आई जस्ट होप सबको समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, जस्ट स्मॉल, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए इसका साइड इफेक्ट, यूज़ एंड डोसेस एंड वार्निंग के बारे में। सो दैट्स ऑल। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।